अब जो है हम लोग एक और लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि टू स्टूडेंट्स अनिल एंड असीमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। द प्रोबेबिलिटी डैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05 एंड असीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10। द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। ठीक, दो विद्यार्थी अनिल और असीमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता जो है 0.05 है और असीमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता जो है 0.02 है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है किस किस कंडीशन में। अनिल और असीमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ठीक, दोनों में से कम से कम, कम से कम, ये बात एटलीस्ट ये ध्यान देने वाली बात है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ठीक, तो सबसे पहले चलिए देखिए इसको हम लोग जो है ना विजुलाइज करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है परीक्षा में फेल और पास होने का पूरा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है ना सबसे पहले क्या किए ना कि एक ये जो एस है, ये जो एस है, ठीक है, एस मतलब मान लीजिए कि अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये एस वाला जितना एरिया है आपका, ये एस वाला जितना ये सर्कल बनेगा ना एस का, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये मान लीजिए कि अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और ये जो टी है तो ये टी वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए कि असीमा के उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और तो ये हो गया। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दोनों मतलब असीमा, अनिल और असीमा जो है दोनों परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे दोनों। ठीक, विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले ना आपको इस वेन डायग्राम में सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि एस क्या है और टी क्या है। ठीक, अब देखिए हर एक पार्ट ना आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या डिनोट कर रहा है। ठीक, अब जैसे कि हम पूछेंगे कि ये वाला पार्ट देखिए, जो ये जो हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला पार्ट देखिए येलो रंग से जो मार्क कर रहे हैं, ये वाला पार्ट अगर हम पूछेंगे तो क्या है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए एस और टी क्या है, दोनों के परीक्षा उत्तीर्ण होने का। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन वाला पार्ट है, तो कॉमन वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, दोनों उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है, अनिल भी और असीमा भी। ठीक, अब देखिए अब हम पूछेंगे कि सिर्फ इस पार्ट में, कौन से पार्ट में, अगर हम पूछेंगे सिर्फ ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट से आप क्या समझते हैं, इस वाले पार्ट में क्या है, ऐसा हम माने थे अनिल के उत्तीर्ण, मतलब अनिल तो उत्तीर्ण हो रहा है लेकिन ये जो पिंक वाला पार्ट है वो टी के बाहर है। मतलब कि अगर ये सर्कल टी का है उत्तीर्ण होने का, मतलब कि असीमा के उत्तीर्ण होने का है, तो सर्कल के बाहर क्या होगा, जो असीमा जो उत्तीर्ण नहीं होगी। तो ये पिंक वाला पार्ट डिनोट कर रहा है कि एस तो उत्तीर्ण होगा लेकिन टी जो है वो उत्तीर्ण नहीं होगा, मतलब कि अनिल तो उत्तीर्ण होगा, पास करेगा लेकिन टी नहीं करेगा। ठीक, इसी तरह से सेम वे में इधर भी हम बोल सकते हैं क्या कि टी तो उत्तीर्ण होगा लेकिन एस जो है वो, मतलब असीमा जो उत्तीर्ण होगी लेकिन जो है तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि एक उत्तीर्ण हो रहा है और एक उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। सेम वे में इस केस में भी यही हो रहा है, एक उत्तीर्ण हो रहा है और एक उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। ठीक, और इस वाले में क्या हो रहा है कि दोनों उत्तीर्ण हो रहा है, दोनों पास कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब देखिए दोनों नहीं करना चाहिए, तो इसमें तो इसमें भी कर रहा है एक, इसमें दोनों कर रहा है, इसमें भी एक कर रहा है। ठीक, तो अब दोनों नहीं करे, ठीक है,
तो उसमें से तो कौन सा एरिया आपका बच गया जो उसमें कि दोनों नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला एरिया नहीं होगा आपका क्योंकि इसमें एक कर रहा है, इसमें भी एक कर रहा है, इसमें भी एक कर रहा है, ठीक। तो अब जो रिमेनिंग एरिया बच गया यानी ये वाला एरिया आपका, ये वाला जो एरिया बच गया ये सारा, ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा कि जो है दोनों परीक्षा में फेल कर गया, ठीक है, उत्तीर्ण नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। अब जैसे कि ये देखिए पिंक वाला पार्ट, पिंक वाला पार्ट को आप, पिंक वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं? ये पिंक वाला पार्ट जो है टोटल, इसको हम बोल सकते हैं एस इंटरसेक्शन टी, सॉरी एस यूनियन टी। सेट का लेक्चर नहीं देखे मुझे, देख लीजिएगा कैसे ये एस यूनियन टी है, ठीक है। ये पिंक वाला पार्ट एस यूनियन टी हो गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है? एस यूनियन टी नहीं निकालना है, एस यूनियन टी का पूरक निकालना है, यानी एस यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही निकालना है हमको, ठीक। अब देखिए एस यूनियन टी का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो उस केस में एस यूनियन टी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसमें क्या होता है? एस प्लस टी माइनस ऑफ, अगर सब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ठीक। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना दिया हुआ है? हाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब क्या? अनिल के उत्तीर्ण होने का प्रोबेबिलिटी, तो 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मतलब असीमा के उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.10010 माइनस दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितना दिया हुआ? 0.02। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 0.15 माइनस 0.02, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 0.13, ठीक है। अब देखिए ये क्या निकला, ये जो निकला मेरा ये क्या निकला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन टी मतलब दोनों के परीक्षा में ये निकला मेरा एस यूनियन टी, ये पिंक वाला पार्ट टोटल। लेकिन हमको क्या लेना है? इसके बाहर वाला ये ब्लैक वाला पूरा पार्ट लेना है, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको पता है कि किसी इवेंट के होने और प्लस किसी इवेंट के ना होने मतलब सेम इवेंट के ना होने का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये हम लोग बेसिक जो तथ्य पढ़े थे उसमें पढ़े थे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन टी, ठीक है। तो यानी यहाँ से 1 माइनस 0.13 इज इक्वल्स टू 0.87। ये मेरा पहले का आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पूरा क्लियर होना चाहिए आपको, हर चीज़ दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। बोल रहा है दोनों में से कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, ठीक। अब सबसे पहले तो इस रीजन पकड़िए कि दोनों में से एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो कौन सा रीजन होगा। जैसे कि आप देखिए इस वेन डायग्राम का हम यूज करेंगे दूसरा नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये पहला नंबर था, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कम जो है एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक। अब जैसे कि देखिए ये बाहर वाला, देखिए इस रीजन में क्या होगा? इस रीजन में एस जो है वो पास करेगा और टी पास नहीं करेगा क्योंकि टी के बाहर है, ठीक है। मतलब अनिल पास करेगा और टी जो है आसिमा पास नहीं करेगी। तो ये वाला रीजन तो मेरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। अब सेम वे में इसमें भी क्या होगा? एक पास करेगा और एक पास नहीं करेगा। देख लीजिए टी पास कर रहा है और ये वाला टी के बाहर है, ये वाला रीजन टी एस के बाहर है तो एस पास नहीं करेगा। तो
एटलीस्ट एक तो हो गया ना पास, एक तो पास नहीं हुआ ना, क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो यहाँ पे एक तो एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि पास नहीं कर रहा है दोनों रीजन में, ठीक है, इस रीजन में भी और इस रीजन में भी, ठीक। अब एटलीस्ट है कम से कम, ठीक है, एक तो उत्तीर्ण नहीं करना चाहिए, इसको इंक्लूड करना हमको, और कम से कम एक तुरंत कर ही लिए हम इंक्लूड। अब ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकता है, दो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फेल कर गया हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस कौन से रीजन को और इंक्लूड करना है, हमको इस रीजन को भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कम से कम, मतलब कि एक तो कम से कम रहना ही है, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन भी मेरा होगा ये सारा, ठीक है। कम से कम एक विद्यार्थी फेल हो, ठीक है, लेकिन एक तो हम कम से कम ले ही ले रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम का मतलब यही है। अब जैसे कि देखिए, अब हमको क्या करना है, ये जितना ये ग्रीन वाला निकला मेरा, ठीक है, ये जितना ग्रीन वाला निकला, ये वाला इसका निकालना है, ठीक। तो इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो निकल जाएगा। जैसे कि देखिए, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है, और इसके बाहर यही है ना ग्रीन वाला सब, ठीक है, मतलब कि एस इंटरसेक्शन टी में जो नहीं होगा वही ग्रीन वाला होगा पार्ट, क्या बोले थे, ये तो आपको हम कॉम्प्लीमेंट में अच्छे से बताए थे कि कैसे हम लोग उसको देखते हैं। तो ग्रीन वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, ग्रीन वाला पार्ट हो गया एस इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे देखिए, एस इंटरसेक्शन टी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.02 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 0.02 देखिए यहाँ दिया हुआ है कि दोनों क्वालिफाई करेगा 0.02, ठीक है। अब लगा दीजिए यही प्रॉपर्टी कि एक का इवेंट में पास होना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, ये बेसिक में बताए थे, एक का इवेंट में पास होना मतलब एक होना और नहीं होना दोनों का अगर योग करेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो 1 माइनस 0.02 यानी कि 0.98, तो दूसरे का आंसर ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है कि वन ऑफ देम विल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, हमको ऐसा रीजन देखना है जिसमें कि एक जो है वो वन ऑफ देम विल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, एक को लेना है। तो देखिए सिंपल ये भी, ठीक है, ऐसा रीजन ढूंढिए जिसमें कि एक जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए इस रीजन में, ये किसका रीजन है, एस का रीजन है, एस तो पास होगा ही लेकिन टी जो है पास नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तो दोनों इस रीजन में क्या है, एस उत्तीर्ण हो रहा है और टी उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से इस रीजन को देखिए, इस रीजन में क्या है, टी उत्तीर्ण हो रहा है और एस उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बोला कि दोनों में से केवल केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, तो हमको सिर्फ एक ही को उत्तीर्ण कराना है, ठीक है, दोनों में से केवल एक ही उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है, ठीक। तो और अगर बाहर वाला रीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला रीजन में दोनों फेल कर जा रहा थी तो लेना नहीं है हमको, तो यही मेरा यही रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया और ये वाला रीजन हो गया, ठीक। अब देखिए इस रीजन को हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये रीजन तो सबसे पहले देखिए, अगर हम सिर्फ एस लिखेंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लिखेंगे, तो एस कहने का मतलब क्या हो गया कि एस में मेरा ये पूरा सर्कल आ गया, लेकिन हमको ये वाला रीजन को तो नहीं इंक्लूड करना है ना, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी को माइनस कर दिए, तो मेरा कौन सा रीजन बच गया, मेरा यही रीजन बच गया ना, माइनस होने के बाद ये वाला रीजन मेरा बच गया, ठीक है। अब सेम वे में क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, पहले टी को पूरा इंक्लूड कर लीजिए इस तरह से,
ठीक है, तो टी को इंक्लूड किया, तो यानी कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। ठीक है, अब जैसे टी में इंक्लूड हुआ तो ये वाला भी इंक्लूड हो गया, ये वाला, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर इसमें माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी माइनस कर दिया। तो अब कौन सा बच गया मेरा, सिर्फ यही बच गया ना। तो देखिए शुरू में जो ये ब्लू वाला था रीजन, वही हमको फाइंड करना था। तो यहाँ से ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना दिया हुआ है आपका, एस दिया हुआ है 0.05, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना दिया हुआ है 0.10, माइनस दो गुना दोनों को उत्तीर्ण होने की 0.02। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.04। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.011, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए काफ़ी ही आसान सवाल है, अगर आप समझिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग, मैंने जो आपको एक से लेकर के पांच लेक्चर तक जो भी मतलब प्रोबेबिलिटी बताया, क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं, क्या चीज़ फाइंड करते हैं इसके थ्रू, ठीक है, उसके बाद से हम लोग प्रोबेबिलिटी को मतलब अगर सॉल्व करना है तो सेट का सहारा लेते हैं, तो हम उसके बाद सेट का भी रिवीजन कराएं, उसके बाद से फिर जो है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक तथ्य है, तीन तथ्य, उसको बताएं। ठीक है, उसके पास उस तथ्य पे आधारित पे जो भी और जो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी थे उनसे ही, उस तथ्य से ही बने हुए, उसको मैंने डिस्कस किया और उसको मैंने अच्छे डिटेल में बताया आपको। ठीक है, उसके बाद से इतना बताने के बाद मैंने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराए, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हो, जो हम लोग जो ट्वेल्थ का स्टार्ट करें अब नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, तो उसमें जो है आपको कोई बेस जो है, बेसिक चीज़ जो है उसमें डाउट ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इतना पांच लेक्चर को इंक्लूड किया, ताकि आपको नेक्स्ट जो आप अपने एग्ज़ाम में जिसको देंगे उसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है। ठीक है, मैथ में क्या है कि आपको अगर कोई भी चीज़ मिस हो रहा है तो फिर उसको आपको रटना पड़ जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको एकदम बर्डन पड़े, आपको एकदम अच्छे से समझ करके चीज़ों को सीखना है, ताकि एकदम स्मूथ लगे चीज़ें, उसको आपको बर्डन ना हो, एकदम ऑब्वियस लगे चीज़ें। तो इस तरह से हम लोग आगे जो है देखेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो चैप्टर 13 एनसीईआरटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी ही अच्छे ढंग से मैं बताऊँगा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपको विजुअलाइज कराऊँगा कि कैसे कैसे क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी तक क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप 11th क्लास के एनसीईआरटी को उठा लीजिए, ठीक है, और उसको आप सॉल्व करिए। ठीक, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो सॉल्व करिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन करिए, और वहाँ पर आप डाउट क्वेश्चन को डाल सकते हैं। ठीक है, तो और आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो इस लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन जो है थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है, ठीक, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियोस देखने से कुछ बेनिफिट हो रहा है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इसको जो है आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अन्य लोग जो अन्य लोग हैं उनको भी इससे बेनिफिट उठा सके। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।